हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, सुन लियो जरूरी बात। हमारी बनारस डिग्री कॉलेज के सांस्कृतिक कमेटी का वार्षिक नाटक कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इस साल का नाटक है हीर राजा, जात न पूछो प्रेम की। अरे गुरु चल यार, बदलवा का नाटक शुरू होने वाला है, अबे पूरी बात में ठूस लेना। सुमो, हम बोला था सुमो को यही मेकअप कर ले, लेकिन हमारा एक नहीं सुना। ए, तुमने मुझ क्यों नहीं लगा है? कब लगाएगा, शो खत्म होने के बाद? जिमली कहाँ है? ए, तुमने दाढ़ी क्यों नहीं लगा है? दाढ़ी लगाओ। जिमली कोथा है? सुमन को फोन किया, एक नहीं सुना। सुमन नहीं है, जिमली नहीं है, कहाँ है जिमली? पागल है क्या बे? कहाँ है मंगली? ओ ए, एटा की है? तुम्हें हमारा असिस्टेंट ना कि मेकअप आर्टिस्ट? रोमांटिक रोमांटिक हम पूछता है सुमन कहाँ है? कब से फोन लगा रही हो, फोन नहीं उठा रही हो? चमत्कार, गैचे हीरोइन गायब है, शो गया। एक मिनट सुनो, तुम हमारा नाटक करेगा, तुम हमारा नाटक का हीरोइन बनेगा। सुमन का सेफ्टी कॉस्ट्यूम है, वो जल्दी जल्दी पहन के तुम हमारा नाटक करेगा। चलो चल। हमसे ना हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, हम कह रहे हैं ना। तुम डायरेक्टर थोड़ी ना हो। सुनो जिमली, हम प्रोड्यूसर है प्ले का, हमको ना करने का हिम्मत उस बादल में भी नहीं है। क्या बकरे हो बे बंगाली? बादल, सुमन नहीं आया है, हमको तो लगता है वो भाग गया है। हाँ तो क्या हुआ बे, आ जाएगी ना सुमन? और अगर नहीं आया तो किसका नाम खराब होगा? पोल्टू बागची, प्रोड्यूसर ऑफ डिस्प्ले, हमने 5,000 इस प्ले में लगाया है, इसलिए हम डिसाइड किया है बादल कि झिमली बनेगा हमारा प्ले का हीरोइन। बस इटा ही फाइनल। ठीक है, तुम्हारे झिमली को हीरोइन बनाते, जाओ झिमली तैयार हो जाओ। नहीं यार बादल, मुझसे नहीं होगी एक्टिंग विक्टिंग, मुझको एक्टिंग एक्टिंग नहीं आती है यार। अरे आता है झिमली। अरे बाबा तुम प्ले का प्रॉम्प्टर है, तुमको सब लाइन पता है, बस स्टेज पर चलकर लाइन बोलना ही तो है ना। अच्छा बस बोलना ही तो है, पिछले 2 सालों में आई लव यू बोला नहीं गया तुमसे? मुझे नहीं करना कोई एक्टिंग विक्टिंग, जा रही हूँ मैं। झिमली झिमली आई सुनो तो। अरे जिमली, इसको छोड़ो ना यार, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ तो बस अपने डर और इस पोल्टू दोनों को मार गोली। इस बादल पर अपने यकीन रख भोली। नाटक क्या है, एक्टिंग क्या है, ये काशी की नगरी है, यहाँ हर घर मसानी है, यहाँ तो हर बच्चा बच्चा ज्ञानी है। तू भी अपने में टैलेंट है, जोड़ा पहन करा, तू हीर बन जाएगी। लाइन भूल भी गई तो का, सामने रांची को पाएगी। क्या हुआ पुलटू, तुम सब ठीक हो बे? हाँ, सब ठीक है, अब तुम दोनों का रिहर्सल खत्म। जिमली तुम जाके रेडी हो जाओ डार्लिंग। डार्लिंग, हाउ रोमांटिक, वाओ। हाँ, नाउ गो तारतारी। हमको सब पता है, तुम ये सब हमको चिढ़ाने के लिए करता है ना? और नहीं तो क्या बे, अब तो बेचारी को आई लव यू बोल दे। तुम भी ना, हमारे छोड़ो, लेकिन तुम्हारा हीर एकदम फालतू है। अरे गर्लफ्रेंड है तुम्हारा, लेकिन धोखा दिया तुमको उसने। तूने मेरे हीर को पहचाना ही कहा है, मुझे वक्त से ज्यादा अपने प्यार पर भरोसा है। मेरी सुमन आएगी। सुमन, पर्दा खुल गया है, जल्दी आओ। हद होती यार, इतना टाइम तो अपनी शादी के सजने में नहीं लेता है। कम से कम 125 मिस्ड कॉल होंगे तुम्हारे फोन पे। आ गए ना हम, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। भोरा गई हूँ, माथा घूम गया है तुम्हारा। 20 मिनट तो गली से बाहर निकलने में लगेंगे, और हमें नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी। जब सुमन हो साथ तो टाइम की का होगा। ला 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 ला
आज यही मिलने का वादा था, वक्त भी यही बताया था। चांद की परछाई जब नदी पार कर जाएगी, वो मिलने आएगी। फूलों सी महक है, हस्ती है तो लबों पर मोती सजते, उसकी आंखों में कायनात बसती है और उस कायनात का एक जर्रा मैं हूं जिसे उसने अपनी पलकों में बसा रखा है। लेकिन मैं यहां हूं तो वो कहां है? फोन नहीं उठा रही, फोन नहीं उठा रही यार, ये नहीं उठा रही है यार फोन। वो आती क्यों नहीं? जाओ चिमनी, तुम्हारा क्यों है? जाओ जाओ। क्या वो मुझे भूल गई है? ये कैसी बात कह दी तूने मेरे रांझे? तेरे इंतजार में ही मेरी राह है। लो मैं आ गई। तुझसे मिलने ना आऊं, ये कभी हो सकता है? तुझे देखे बगैर जी लूं या मर जाऊं, ये कभी हो सकता है? ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं जो तूने जन्नत बिछा दी जमीन पर मेरे लिए, दी मुझे हीर और उसकी इजाजत, दी मुझे हीर और उसकी इबादत, दी मुझे हीर और उसकी मोहब्बत। खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं कि तूने दिल दिया और दिल लगी भी, मोहब्बत दी और परवाज भी। हीर के साथ इश्क फरमाए, मारो इसे। समझ में ना आ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं।
निकाले जूती और समझाए। ए सुमन, ये तुम कब की जा रही हो? ये तुम्हारा डायलॉग ना है। चुप कर बे तू, कैमरा डालो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हीर, हट जा, घर लौट जा तू, अपने खानदान की, अपने मर्यादा की तो सोच। इस नदी पार वाले से तेरा रिश्ता ना होने देंगे। क्या कर लेगा बे तू? क्या कर लेगा? बादल यार, तू बोल ना, इसको देखना क्या बोल रही है। क्या हुआ सुमन, डायलॉग भूल गई का? अरे बाबा, कोई हीर की माँ को बोलो उसको स्टेज से नीचे ले जाए। रुक जा, मैं लाता हूँ, मैं बोलो। चल बेटा, ये तेरा रिश्ता नहीं है, भूल जा इस दिल लगी को। हम भी तुझे माफ कर देंगे तेरी जवानी की भूल समझ कर। वो तेरा बाप हूँ मैं, तुझे मेरा हुक्म मानना होगा, और तेरे इस रांझा के साथ जो हश्र होगा वो भी तुझे मानना होगा। चल। नहीं मानते हम, नहीं मानते। क्या कर लोगे? नहीं मानते हम, और काहे माने हम? इसलिए कि सदियों से यही चलता है, इसलिए कि हर दो प्यार करने वालों का अंत होता है। बहुत हुआ बे सम्मान तुम्हारा। अरे जो लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्रेम में जी कह नहीं सकते। इस ससुरी सोसाइटी को मिर्ची काहे लग जाती है? नहीं मंजूर हमको प्यार में मरना। नहीं हम मरेंगे, नहीं हम इसे मरने देंगे, हम प्यार में जिएंगे। डंके की चोट पे जिएंगे। देखते कौन माइका लाल रोकता है हमको। बादल, तुम का हमसे अभी नाराज हो? का हमसे काहे पूछ रही हो? भूल गई का नाटक में का रहता फैलाई तुम? रायता हो या फालूदा, प्ले तो हिट था ना, तालियां भी मिली और स्टैंडिंग ओवेशन भी। हाँ सुन, पर नाटक में का ब्रह्म बाबा सवार हुए थे का तुम पर? देखो बादल, हम सच कह रहे, गंगा मैया की कसम, अच्छा तुम्हारी कसम, हम तुमको पिटते हुए नहीं देख सकते थे। सुमन, पर वो नाटक था नाटक, हम साथ में रिहर्सल किए थे ना। हाँ, पर हम कह रहे ना तुमको, हमें नहीं पता हमको क्या हुआ था। हीर हिरा गए, हम बन गए सुमन, और वही किया जो सुमन करती। देखो बादल, हम ना ही तुमको पिटते देख सकते हैं और ना ही मरते। अगर तुमको साला कोई हाथ भी लगाया ना, तो हम सुमन से सुचंडी बन जाएंगे। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। चल झूठी पंडितायन हो ना, इसीलिए ज्ञान बांटने का मौका ढूंढती रहती हो तुम। अच्छा, तुमको लगता है हम सिर्फ ज्ञान देते हो, तुमसे प्यार नहीं करते? ठीक है। हे गंगा मैया, मुझे अपने आगोश में तो एक जगह दे दो। पगला गई थी का? एक तो तैरना नहीं आता और जान दे दोगी का? काहे, तुम हो ना हमको बचाने के लिए। अच्छा। छोड़ा बादल,
बादल छोड़ो, छोड़ो ना हमको, तुमको ना हम। एक दुनिया ये है जहाँ प्रेम है, स्वप्न है, उड़ने को पूरा आसमान है। वहीं दूसरी तरफ एक दुनिया और है जहाँ प्रेम तो है, स्वप्न भी है, लेकिन उड़ान की डोर किसी और के हाथ में है। हैप्पी वैलेंटाइन। ठीक है, लाल गुलाब का है नहीं लेके आए? कौनो मंदिर से चुरा के लेके आए का? पागल, मंदिर से नहीं चुरा के लाए हैं, दुनिया की नजरों से चुरा के लाए हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू। सुन सुन सुन, एक तो सेल्फी लेते हैं। सेल्फी? दिखाओ दिखाओ, हमका फोटो दिखाओ ना। ये क्या दिख रहा है इसमें? आज सुबह रौनकपुर के पश्चिमी छोर पर एक नवविवाहित दंपति की लाश पेड़ से टंगी हुई पाई गई है। कहा जाता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, लेकिन प्रशासन ने ये बताया है कि दंपति के आपसी समझौते के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। ए, चलो पीछे हटो, बहुत हो गया, चलो चलो चलो। ए, क्या नाम है तुम्हारा? अतु पासी। अरे का? ये हमारो निबिटवा बेचन। अच्छा एक बात बता, कई लड़की को तू पहले से जाना तो का? ये हमारो पतोहू बिमला पासी। अरे एकर मायके का नाम बता। बिमला मिश्रा। मिश्रा? ये धर्म के ठेकेदार नहीं, ये मानवता के हत्यारे हैं, खूनी हैं, खूनी हैं। ये सर्ग सेना वाले खूनी हैं। ए मितवा, काहे चिल्ला रहे हो इतना? हैं? अरे काहे ना चिल्लाएं? हम तो तब तक चिल्लाते रहेंगे जब तक तुम लोग इस घटना को हत्या नहीं मान लेते। अब जाओ करो जाके सर्ग सेना वालों के खिलाफ एफआईआर। खूनी है, खूनी है, खूनी है, खूनी है, सर्ग सेना वाले खूनी है, खूनी है, खूनी है, सर्ग सेना वाले खूनी है, खूनी है, खूनी है, सर्ग सेना वाले खूनी है, खूनी है, खूनी है, सर्ग सेना वाले खूनी है, खूनी है, खूनी है। हमारा नाम प्रोफेसर पूजन। पांडे हैं आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड। हर वर्ष हम एक स्पेशल क्लास लेते हैं। स्पेशल क्लास का विषय होता है न्यूटन बाबा के तीन नियम। प्रथम नियम यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को जब तक आप बाहर से छेड़ेंगे नहीं तब तक वो अपने आप में मस्त रहता है। दूसरा नियम पहले नियम से जुड़ा हुआ है। छेड़ने का बल उस व्यक्ति या जीव पर कितना होगा यह निर्भर करता है छेड़ने की शक्ति पर और उस जीव या व्यक्ति के वजन पर। अब तीसरा नियम, क्या है? आप यहां आकर क्लास लेना चाहेंगे? आइए आइए आइए। नो सर, सॉरी सर, आपसे कुछ पूछना था।
पूछिए। सर आप एक टीचर है फिर भी रिवॉल्वर रखे हैं। वो क्या है ना बचुआ, ये जो है ना ये हमारी रुचि है, हमारी रुचि। और ये हमारी आवश्यकता है, समझे? बढ़ जाओ। न्यूटन बाबा का तीसरा नियम, यहां कैसे? ये हमको घटनास्थल पर मिला। धन्यवाद। आपकी हानि की हम क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते, पर दुख बहुत है। इच्छा अनुसार स्थिति को उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए था। चलिए हो गया सो हो गया, आगे से अगर आपको हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच बताइएगा, हमारी सहानुभूति हमेशा आपके साथ है। एक बात आपसे कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, समाज ही है जो अंत में काम आता है। माफ कीजिएगा पंडित जी, पर अपना ये समाज हमारे काम नहीं आया ना। जिस लड़के से हमने अपनी बेटी की शादी की थी ना, वो भले ही हमारी बिरादरी का नहीं था, भले ही वो जनेऊ नहीं पहनता था, पर शरीफ था, हमारी बेटी से प्यार करता था, सरकारी नौकरी थी, हमारी बेटी उसके साथ खुश रहती। ये आपका स्वार्थ बोल रहा है मिश्रा जी। अस्थिरम जीवितम लोके हरास्थिरे धन यौवने अस्थिरः पुत्र दाराक्ष धर्मः कीर्ति द्वयम् स्थिरम्। अर्थात इस अस्थिर जीवन में धन यौवन पुत्र पत्नी सब अस्थिर है। स्थिर है तो केवल दो बातें, धर्म और कीर्ति। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? चलिए आज्ञा दीजिए। पंडित जी, हमारी बिटिया तो दुनिया से चली गई और भगवान ने आपको भी एक बेटी दिया है,
मैं उस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका धर्म और कीर्ति कायम रहे, कायम रहे। न्याय और नियम अपने पराये में भेद नहीं करता। मिश्रा जी, हम ये लेकर चलते हैं, हमारी रिवॉल्वर है, लेकिन इसमें से जो गोली निकलती है ना, वो भी अपने और पराये में भेद नहीं करती। नमस्ते। क्या कसूर वे कसूर वे कसूर नैणा दा, क्या कसूर वे कसूर वे कसूर नैणा दा, क्या कसूर वे कसूर वे कसूर ऐ दिल तू बता रे। जी